तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग ट्रेडर। तो आपका स्वागत है ट्रैवलिंग ट्रेडर में। तो पिछली बार जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने ये वेल बनाया था। पिछली बार इस विलेज पे रेड पड़ी तो हम लोगों ने ये वेल बनाया था। तो अब हमको जाना है नेक्स्ट विलेज में। तो गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो जाके देखिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिलहाल तो अगले विलेज में चलते हैं इस मैप को देखते देखते। तो रास्ता तो इधर का बता रहा है, चलो चलते हैं। इधर पे एक ब्रिज है तो मैं यहाँ पे आ गया। इधर पे एक और विलेजर है, इसका नाम है एमसी जिलेजर। यू डोंट लुक मच लाइक अ फाइटर। अब ये बहुत ही फनी बात होगी कि मैं इसको एक फाइटर नहीं दिखता हूँ। मैं फाइटर नहीं दिखता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये मुझे अपने विलेज में लेके जा रहा है। भाई ये मुझे बोल रहा है कि पहले ये लोग इधर पे सुख और शांति से रहा करते थे, मगर इधर पे आसपास कहीं पिलेजर आउटपोस्ट बन गए। भाई वो है पिलेजर आउटपोस्ट, भाई इतनी पास क्यों बना रखा है? इन लोगों को डर नहीं लगता? भाई लोग विलेज चेंज क्यों नहीं कर लेते अपना? तो भाई अभी तो ये मुझे कहीं लेवा जा रहा है, तो मैं ये मैप निकाल लेता हूँ। अब इस मैप का कोई भी काम नहीं है। तो भाई ये मुझे बोल रहा है कि इसके विलेज का मुझे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर पे पिलेजर्स कभी भी रेड करने आ सकते हैं। तो मैं इसे काम कर देता हूँ, ये जो भी बोलेगा। क्या बोलती पब्लिक, पिलेजर्स को मारना तो ट्रैप तो सेट करना पड़ेगा ना मेरी। ओके, बहुत हो गया। तो इस वाले ट्रैप में ना यहाँ पे जमीन पे बहुत सारे TNT लगे हैं, और कुछ TNT के ऊपर प्रेशर प्लेट है और कुछ TNT के ऊपर प्रेशर प्लेट नहीं है। तो मुझे सब TNT के ऊपर प्रेशर प्लेट लगाने हैं। और ये मुझे 5 कैक्टस में सारी प्रेशर प्लेट दे रहा है, तो जाके कैक्टस तोड़ता हूँ मैं। तो भाई तू जल्दी से मुझे वो वाली प्रेशर प्लेट दे दे, ताकि मैं तेरा ट्रैप कंप्लीट कर लूं। भाई अब ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? इधर पे लिखा है ट्रिप वायर पिट। तो ये मुझे बोल रहा है कि इधर पे एक ट्रिप वायर नहीं लगी है, 2 ट्रिप वायर। तो मैं इधर एक काम करता हूँ, इधर से मैं अपनी इन्वेंट्री से निकाल के इधर पे 2 ट्रिप वायर लगा देता हूँ। ये तो बहुत ईजी ट्रैप था यार, अब क्या होगा? ओ भाई, तो इन लोगों ने ऐसा बना के रखा है, ट्रिप वायर में पैर रखा था वो खुल जाएगा। बहुत अच्छा बना के रखा है यार। भाई अब क्या बोल रहा है? तो ये अब मुझे बोल रहा है कि ये सारे डिस्पेंसर में एक एक पंपकिन हेड रखना है मुझे, और एक गांव का आदमी है जाइलेजर, तो मुझे वो पंपकिन दे देगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये है वो जाइलेजर। अब ये जाइलेजर मुझे बोल रहा है कि 3 एमराल्ड के बदले एक शियर ले जाओ, और मेरी जो भेड़े हैं ना उनको शियर करके मेरे पास उनकी सारी वूल लाओ, तब मैं तुम्हें 3 पंपकिन हेड दूंगा। भाई कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग मुझसे। इधर पे मैं ट्रेडर बन के आया था, ये लोग पता नहीं क्या फालतू के काम करवाते हैं मुझसे। भाई इधर पे ये लोग ट्रैप्स का कबाड़ा करने टिके हैं। भाई मैंने ये सारे ट्रैप्स पिलेजर्स के लिए लगाए थे, मगर सारे ट्रैप्स तो इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया है इन सारे ट्रैप्स का। तो ये है इसकी भेड़े। अरे अरे अरे, मुझे लगा कि धरती धस गई, रवीन आ गई बीच में। भाई ये लोग क्यों करते हैं ऐसे डराने के लिए? भाई मैं तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ भेड़ों को शियर करने आया था। मैं तो जा रहा हूँ भेड़ों को शियर करके, मुझे नहीं है मतलब, चाहे वो भेड़े भागे चाहे कुछ हो। क्या बदतमीजी है भाई, वो उस वूल के साथ ये वाला शियर भी ले रहा है। भाई इसी को फायदा फायदा हुआ, सही बात है। चलो भाई मैं जल्दी जल्दी इन डिस्पेंसर में ये पंपकिन रख देता हूँ। चलो भाई मैं जल्दी जल्दी ये भी रख देता हूँ। चलो भाई ट्रैप्स खत्म हो गए, अब ये मुझे कहाँ लेवा जा रहा है? तो भाई ये मुझे बोल रहा था कि इधर की सारी बेरीज पक गई हैं, तो मुझे इधर की सारी बेरीज तोड़नी है। चलो भाई ये लास्ट बची है, ये और तोड़ देता हूँ मैं। ओके, तो ये मुझे बोल रहा है कि मैंने सारे के सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, अब मुझे बस उन प्लेजर्स के घर पर जाके उन प्लेजर्स को टपका के आना है, और इसके दोस्त फ्रेड को बचा के आना है वहाँ से। भाई लास्ट वीक इसका दोस्त फ्रेड वहाँ पे गया था और वापस नहीं आया, तो मुझे देख के आना है कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। भाई इधर पर बहुत सारी चेस्टें रखी हैं, तो इन चेस्टों में मुझे पहले देखना है कि क्या भरा हुआ है। ओ भाई इन चेस्ट में तो इतना सारा ओपी सामान भरा हुआ है, ये सोच रहा होगा कि ये प्लेजर से फाइट करने जा रहा है तो इसको ओपी सामान दे देना चाहिए। भाई मैं पहले बोल देता हूँ, मैं एन्चांटमेंट कुछ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि एन्चांटमेंट में एन्चांट करना पड़ेगा, वो एन्चांट मैं अभी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एन्चांटिंग टेबल नहीं है ना। चलो भाई अब चलते हैं उन प्लेजर्स को मारने। भाई ये प्लेजर्स का मुखिया यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको तो मारो यार, मर जा भाई, जल्दी मर गया। चलो अरे यार बैड ओमन का इफेक्ट दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं प्लेजर्स को मारने जा रहा हूँ। भाई ये नॉर्मल प्लेजर के आउटपोस्ट नहीं है भाई, इधर पे अलग अलग प्रकार के प्लेजर के आउटपोस्ट हैं, बहुत कुछ बना रखा है इन लोगों ने।
भाई इधर पे तो मुझे संभाल के रहना पड़ेगा, कहीं ये लोग मुझे मार ना दे। हाँ वैसे चेस्ट में तो घटिया ही लूट भरी है। चलो मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ यार। अरे आ गए प्लेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। देखो इस बेचारे पे अत्याचार हो रहा है इधर पे। आयरन गोलम मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। चलो इधर पे भी ये घटिया लूट भरी है यार। अरे ये लोग तो मुझे मार रहे हैं, बचाओ। अरे 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 ओ भाई मार जाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे खाना खा लो भाई, भागो भागो यार, इन लोगों ने मुझे लगभग मार दिया यार। जल्दी खाना खाओ यार और भागो इधर से। अरे खाना नहीं खबर आ यार, क्या सड़ासा वर्ल्ड है। हाँ अरे खप जा यार, खप गया खाना। हाँ अरे भाई ये फ्रेड देखो नीचे, इसको कैद करके रखा है प्लेजर्स ने। ये मुझे बोल रहा है कि ऊपर कोई बटन है, इनसे इसका लॉक खुल जाएगा भाई, करना पड़ेगा। अरे ये लोग फिर से आ गए यार, इनको मुझे मारना पड़ेगा यार जल्दी से। भाई इनको तो टपका दिया, मगर ये फ्रेड बोल रहा है कि इधर पे आसपास कहीं कोड लिखा होगा नीचे का, तो जाना पड़ेगा मुझे। भाई ये विंडिकेटर लोग हर जगह मिल रहे हैं मुझे। अरे यार वो मार दिया यार, लैग कर रहा है मेरा मोबाइल। तो आखिरकार फ्रेड को बचाने के बाद जो मेरे साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए वीडियो देखिए। तो यार मैंने फ्रेड को तो बचा लिया है, तो अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। शायद मैंने गेम ख़त्म कर दिया है, मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, चलो इनसे बात कर लेता हूँ मैं। भाई ये रेड क्यों आ गई है, मुझे पूरी रेड ख़त्म करनी पड़ेगी। चलो कुछ नहीं, कोई दुख दर्द की बात नहीं है, मैं रेड भी ख़त्म कर दूंगा। बस ये पता चल जाए कि ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, इनको मैं बहुत मारूंगा। चलो भाई ये मेरे पीछे हैं, इनको यहाँ पे मैं लूर करता हूँ ताकि ये स्क्रैप में गिर जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Don't bring me down. Down. भाई ये है दूसरी रेड और इनको मारा तो बहुत इजी होगा यार। ये रेवेजर मेरे ट्रैप में गिर जाएगा। अरे ये मोटा सांड मेरे ट्रैप में क्यों नहीं गिरा? अरे रेवेजर चला जा यार, मेरे ट्रैप में गिर जाए यार, बहुत गंदी बात है यार। हाँ गिर गया। देखो भाई दो लोग वहां पे खड़े हैं, उनको भी टपकाना है मुझे। चलो भाई ये भी आ गया इधर, इसको भी मार देता हूँ मैं जल्दी से। अब भाई ये लोग कहाँ से आने वाले हैं मुझे नहीं पता। चलो भाई रेड विक्ट्री हो गई। भाई ये वंडरर आके मुझे बोल रहा है कि इस चेस्ट में बहुत अच्छा सामान है, चलो मैं देख लेता हूँ यार। अरे वाइस में तो अरे अरे ये मैं कहाँ पे आ गया भाई, ये तो फिर से मैं बड़ी चेस्ट पे आ गया। तो भाई ये मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर रहा, मैंने जगह जगह पे जाके ट्रेडिंग भी करी और मैंने विलेजर्स को भी प्लेजर से बचाया। भाई अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, शायद अब मैं नेक्स्ट विलेज में जाऊँगा, मुझे नेक्स्ट विलेज का मैप मिलेगा। थैंक्स फॉर प्लेइंग। अरे भाई ये तो मैप ही ख़त्म हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैप रहा। अब मैं वहाँ पे जाके उस चेस्ट में देखूंगा पहले तो उस चेस्ट में क्या था। तो गाइस ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि अभी भी मैं इस मैप को खेल सकता हूँ, मैं वुडलैंड मैंशन पे जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बाकी का मैं तो वुडलैंड मैंशन पे एक्सप्लोर करने जाने नहीं वाला। तो गाइस आपको ये मैप कैसा लगा मुझे बताइएगा, बाकी का तो मुझे बहुत अच्छा मैप लगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।